हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, आए आप सब ठीक होंगे? तो आज सुबह सुबह मैं उठी और आज बना रही हूँ उपमा, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, मुझे बहुत पसंद है। साउथ इंडियन डिश ना मुझे रियली बहुत पसंद है। देखिए हीरा, मैं इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, फिर इसमें ना इसमें पानी डाल देंगे। तो बहुत पसंद है उसमें, और सिंपल तरीके से बनाते हैं उपमा। कैसे डिश है, ज़्यादा सब्जी डालिए कम डालिए, फिर बहुत टेस्टी लगता है, टेस्टी अलग हो जाता है। और अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। इसमें हल्का हल्का पानी डालिए और अपने हाथों से चलाते रहिए, वरना ये गुठली गुठली जैसा हो जाएगा। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसे सब पकने देंगे एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि सूजी है तो सारा पानी तो ऑटोमेटिक सोख लेता है। पानी इसमें डाल दिया मैंने, फिर ये सारा पानी सोख लेगा, फिर रेडी हो जाएगा हमारा। उसके बाद मैंने ढक दिया इसे, ये पक रहा है और बहुत बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, गर्मी इतना है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई पंखा कुछ काम नहीं कर रहा, इतना सारा गर्मी है। ये गर्मी से सच में मतलब इतना ज़्यादा गर्मी, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी का, इतना ज़्यादा गर्मी कभी नहीं किया था। इसका रीज़न है पेड़ पौधा इतना सारा कट रहा है, इतना सारा पेड़ पौधा का ज़रूरत है, लोग उसको काट काट के अपना घर मकान बना रहे, तो क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गया, एकदम ऐसा पंखा कूलर कुछ नहीं काम कर रहा है शरीर पर। ठीक है, मेरा उपमा बन रहा है, फिर मैं नाश्ता करूँगी। और मेरे जो मेरा जो भी प्लॉट है ना, मतलब जहाँ पे घर बन रहा है वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, जो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, बोरिंग तो हो ही गया है, आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। बोरिंग हो गया है और अब आज से काम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो चलेंगे प्लॉट पर, फिर वो दिखाएंगे। ओके, मिलती हूँ प्लॉट पर जाके। और ये मेरा उपमा रेडी हो गया। मैं जल्दी हल्दी नहीं डालती थी, बट आज मैंने सोचा था हल्दी डाल दूँ, वैसे उपमा तो वाइट ही रहता है, पर आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हल्दी डाल ही देते हैं। ऐसे मैं जल्दी हल्दी नहीं डालती उसमें, क्योंकि वो वाइट ही होता है और मुझे हल्का पतला पसंद है ज़्यादा, वो तो फिर सूख जाने के बाद ऐसा हो ही जाता है, और मुझे सच में बहुत पसंद है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो बहुत टेस्टी लगता है, हल्का भी लगता है, पेट भी भर जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब मैं चलती हूँ उसको खाने के लिए। और ये आ गया है पार्सल, जो कि इससे मैंने मंगाया है ट्रेन का, अभी देखते हैं इसे ओपन करके। और ये ऐसे आया है बैग में, इसे ओपन करते हैं फटाफट। और ये रहा अंदर से इसका सामान, और ये दिया है उसके अंदर, ये है सारा रॉड है, जो बाहर से बॉय सारा ना उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, वो कूलर का आवाज है। एक ये पता नहीं क्या है, और कुछ ये दिया है, अभी देखते हैं इसको सेटअप करके, ट्राई करते हैं इसको सेटअप करते हैं कैसा लग रहा है। अब यहाँ हो भी पा रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मिट्टी वाले जगहों पे ही होगा, देखते हैं।